जैसा ठीक लगे करो तारा, बस अजय अपनी पुरानी यादों से दूर रहे, मैं यही चाहता हूं। ये हादसा सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ जगजी, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। जगजीत सर, सर ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल। बाहू दो। क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशान? नहीं कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। सर टेंशन वाली बात क्यों नहीं है, सुना है बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा है आपको। दीक्षित, ये बात तुम्हें किसने बताई? सर असिस्टेंट हूँ आपका, इस ऑफिस में जो कुछ भी होता है उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। सर इससे बड़ी अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती, मैनेजर हैं आप, इस कंपनी के मैनेजर, और आपके साथ सर ये बदसलूकी। सर बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है सर। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, बहुत बोल चुके, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो दीक्षित। ये बात भले तुम्हें पता है लेकिन तुम इस बात को ना तो किसी को बताओगे और ना ही फैलाओगे, और ना तुम्हारा जो ये ऊपरी आमदनी का जो पेड़ है ना उसको फलने फूलने नहीं दूंगा मैं। आप मुझ पर नाराज मत होइए सर, सर मैंने हमेशा से आपका भला चाहा है। सर मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस अपमान का बदला लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। सर इस ऑफिस में जो भी आपके साथ हुआ है सर बहुत बुरा हुआ है। सर इसी बदले का प्लान लेकर तो मैं आपके पास आया हूं। प्लान? कैसा प्लान? सर आप जानते हैं शौर्य सर की सबसे बड़ी ताकत कौन है? शौर्य सर की सबसे बड़ी ताकत कौन है? मैं नहीं जानता। सर इस ऑफिस में आप काम करते हैं और आपको इतना भी नहीं मालूम? सर मैं शोमित सर की बात कर रहा हूं, शौर्य सर उन्हें अपना भाई जैसा मानते हैं। अगर आप शौर्य सर की ये ताकत उनसे छीन लेते हैं तो यकीनन शौर्य सर असहाय और कमजोर हो जाएंगे और आपके लिए बदला लेना उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों सर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? समझ गया दीक्षित, सब समझ गया मैं। अंग्रेजों की राज करने की पुरानी नीति, डिवाइड एंड रूल, राइट? राइट सर। शाबाश दीक्षित, शाबाश। क्या रास्ता बताया तुमने मुझे, अपने उस थप्पड़ का बदला लेने का रास्ता अब मुझे मिल गया। शाबाश दीक्षित, शाबाश।
हार्विन, हाँ हाँ वो फाइल भेज दो। हाँ मैं स्टडी कर लूंगा और रवि भैया से डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक, हाँ तारा। अजय भैया कैसे? बिल्कुल ठीक नहीं है कुणाल। आज रवि भैया ने अजय भैया के चेकअप के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया था। क्या साइकेट्रिस्ट? कुणाल, हम अजय भैया के लिए बहुत परेशान थे, हमें लगा ये डॉक्टर शायद कोई सोल्यूशन दे सके। देखो तारा, अजय इस वक्त बहुत दुखी है, उसे हम सबके प्यार की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की नहीं। ये क्या किया तुम लोगों ने? कुणाल, हम सब बहुत घबरा गए थे, और अजय भैया भी बिना बताए कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, और उनसे कोई बात पूछो अजीब अजीब से आंसर देते हैं। और वैसे भी राधा भाभी की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भूल चुके। खैर, क्या कहा डॉक्टर? तारा, मैं चाहता था कि मैं अजय से बात करूं, लेकिन मैं कल खुद ही आ जाता हूं अजय से मिलने। हाँ कुणाल, तुम अजय भैया से मिलने आ जाओ, तुम उनसे बात करोगे तो शायद कोई सोल्यूशन निकल सके, और अजय भैया को भी तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। हाँ तारा, मैं कल जरूर आऊंगा, तुम सिर्फ अजय का ध्यान रखो। हाँ।